हेलो गाइज, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्रेडिंग। गाइज, यू नो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे मैसेज किए हुए हैं, कमेंट्स किए हुए हैं टेलीग्राम पर कि जो 100% अच्छे एक्यूरेसी वाले आप सभी को डेली पर डे सिलेबस प्रोवाइड कराए जाते हैं टेलीग्राम पर, जिनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं, ओके, वही सिग्नल्स किस बेसिस पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, किन एनालिसिस, किस फंडामेंटल, किस स्टडीज को यूज करके, फॉलो करके वो सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं आप सभी के लिए डेली, जिनसे आप प्रॉफिट गेन करते हैं, ओके। उन्हीं चीज़ों को लेकर के बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा कि आप उनको लेकर के सिखाइए, बताइए, या वीडियो लेकर के आइए, या फिर क्लासेस दीजिए। तो वही आप सभी को मैं क्लासेस तो नहीं इस समय फिलहाल, लेकिन मैं कोशिश करें आप सभी को छोटी छोटी डेली अलग अलग वीडियोस में आप सभी को कुछ ना कुछ मैं नया सिखा सकूं, ओके, जिससे आप सेल्फ ट्रेड भी कर सके, सेल्फ ट्रेड कैसे करते हैं और किस अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप सीख सके, ओके। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें आप सभी को मैं वही फंडामेंटल्स, एनालिसिस, स्टडीज बताने वाली हूं, जिनको फॉलो करके आप अच्छे खासे प्रॉफिट में जा सकते हैं, लॉस कवर अप कर सकते हैं, ओके। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करो उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूं, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए मॉडर्न ट्रेडिंग पर, ओके। देन वहां आप सभी को, आप सब जानते हैं कि अच्छी एक्यूरेसी वाले सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं पर डे, एंड इसके अलावा आप और ज्यादा सिग्नल्स चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं, लॉस कवर अप करना चाहते हैं, तो द रिलायबल वीआईपी ग्रुप में भी एंट्री ले सकते हैं, ओके। लिंक प्रोवाइड कर दिया है, लिंक पर आपको सिंपली जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, आईडी कंफर्म करवा लेनी है, देन आपको वहां से छोटा सा डिपॉजिट करके आप द रिलायबल वीआईपी ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं, ओके। सो गाइस, आप सभी को कुछ 20% 50% 70% एक्स्ट्रा आपको बोनस कोड भी मिलते रहते हैं, ओके। एंड इसके अलावा आप सभी को टाइम टाइम पर कुछ रिस्क फ्री कोर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, ओके। तो ट्रस्ट मी, मॉडर्न ट्रेडिंग आप सभी के लिए बहुत कंफर्टेबल और प्रॉफिटेबल ग्रुप प्रूफ होने वाला है, ओके। सो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो गाइज, फर्स्टली मैं यहां पर आप आ चुकी हूं अपने क्यूरेक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को अबव 13,293.10 डॉलर का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं। देन गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं फंडामेंटल्स, उन्हीं स्टडीज, उन्हीं एनालिसिस के बेसिस पर हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, लगभग 98, 99 या 100%। क्यूरेक्स का लाइव अकाउंट है, ओके। देन यहाँ पर मैंने कुछ करेंसीज यहाँ ले रखी हैं, यूआर यूएसडी करेंसी 80% प्रॉफिट रेट, एयूडी यूएसडी करेंसी 68% प्रॉफिट रेट, यूआर जीबीपी 79% प्रॉफिट रेट, ओके। सो गाइज, चूंकि गाइज जो वीडियो शूट हो रही है नाइट में शूट हो रही है, जो करेंसी पेयर सारे हैं वो ओटीसी के ओपन हो चुके हैं, इसके अलावा हमें जीबीपी यूएसडी का 82% दे रखा है यहाँ पर, इसके अलावा और यूआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के अलावा बात करें तो तीसरी करेंसी जो हमें दे रही है वो यहाँ पर यूआर जेपीवाई 74% है, ओके। फिलहाल हमारे पास अभी फाइनली अगर बात करें ट्रेडिंग करने के लिए तो दो ऑप्शन है, जीबीपी यूएसडी 82% प्रॉफिट रेट, यूआर यूएसडी 80% प्रॉफिट रेट। इसके अलावा हम ओटीसी पर करें तो जहाँ पर हमारा कोई भी फंडामेंटल्स, कोई भी स्टडीज, कोई भी एनालिसिस हमारा वर्क नहीं करता है, ओके, देन ओटीसी का मार्केट यू नो गाइस आउट ऑफ फूल्स बोला ही जाता है। सो गाइस, हम इन्हीं दो करेंसी पेयर पर आप सभी को ट्रेड करके दिखाने वाले हैं, उन्हीं स्ट्रेटेजीज, उन्हीं फंडामेंटल्स के बेसिस पर मैं यहाँ पर ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ, ओके। सो गाइस, अच्छी तरह एक्यूरेसी के साथ भी सिग्नल्स फॉलो करना और ट्रेड करना सीख जाएंगे, ओके। सो यहाँ प्रॉफिट रेट अभी कम हो गया है, 77% हो गया है, जैसे ही टाइम बढ़ेगा यहाँ पर प्रॉफिट रेट अपना कम होता जाएगा, ओके। सो गाइज, फाइनली ट्रेड करते समय हमें जो तीन बातें याद रखनी है, उसमें एक हमारा जो रहता है कि फर्स्टली हमारा जो रहता है कि हमारा फंडामेंटल्स, हम ट्रेडिंग करते समय जिन फंडामेंटल्स को यूज कर रहे हैं, मतलब कौन सा हमारा कैंडलस्टिक्स पैटर्न कौन सा है, कौन सी स्ट्रेटजी में फॉलो कर रखी है, कौन सा इंडिकेटर में अप्लाई कर रखा है, ओके, ये सारी चीजें हमें एक साथ देख करके लेकर के चलनी होती हैं ट्रेड करते समय, ओके। आप प्रॉपर एक बेसिस पर, अगर आप केवल इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं नहीं पॉसिबल होगा प्रॉफिट। इसके अलावा अगर आप केवल अपने एनालिसिस पर या फिर फंडामेंटल्स को लेकर के ट्रेड कर रहे हैं नहीं प्रॉफिट होगा। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, स्ट्रेटजीज देखनी पड़ती हैं, इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न के जो प्रॉपर एक कैंडल बन रही है, कौन सी कैंडल बन रही है और कौन सी कैंडल बनने पर हमारा मार्केट आगे किधर जा सकता है, हमारे मार्केट अगर कौन सी ड्रैगन फ्लाई या फिर ग्रेवस्टोन या फिर दोजी जो भी बन रही है या फिर हमारे को प्रॉपर एक हैमर या हैंगिंग मैन जो भी कैंडल बन रही है
उसके बनने पर हमारा मार्केट किस रेशियो में किधर जाता है, एक वही रेशियो लेने पर हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, उसको भी हमें पैरामीटर में देखना पड़ता है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ों हैं जिनको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है, तब हमें कहीं ना कहीं जाकर के हमें एक 100% श्योर शॉट मिलता है, और उसी हमें 100% एक्यूरेसी वाले श्योर शॉट को पकड़ना पड़ता है, तब वहीं पर हमें ट्रेड करते हैं तो वो आप पर विनिंग होगी। ओके, सो फर्स्टली मैं आप सभी को ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ। ओके, किस बेसिस पर यूआरएसडी की करेंसी में ले रखी है, 80% प्रॉफिट ट्रेड ले रखा है। ओके, कैंडल स्टिक्स पैटर्न के पहले बात करेंगे हम। फर्स्टली हम ट्रेड प्लस करने से पहले हमेशा देखेंगे कि हमारी जो कैंडल बन रही है वो कैंडल हमारी कौन सी बन रही है, अगर वो कैंडल जो भी बन रही है उसके बनने पर हमारा मार्केट किधर जा सकता है, और मार्केट कौन सी कैंडल किस डायरेक्शन की ओर शो करती है, इसकी पहले मैं कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज निकाल चुकी हूँ, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो कौन सी कैंडल हमारी किस डायरेक्शन में जा सकती है ये हमें देखना है। उसके अलावा जो हमने इंडिकेटर अप्लाई कर रखा है वो हमारा इंडिकेटर सही है कि नहीं, हमें कौन सा ज़्यादा इंडिकेटर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, प्रॉफिटेबल लगता है, उसको अप्लाई करना है। ओके, देन दोनों को पैरामीटर को देख कर हमें देखना है कि हमारा इंडिकेटर इधर इंडिकेट कर रहा है, हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न इधर इंडिकेट कर रही है, मतलब दोनों अगर देख रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन की ओर हमें अपना एनालिसिस करके ट्रेड प्रेस करनी पड़ती है। ओके, सो हम यहाँ पर ट्रेड प्रेस करने वाले हैं। फाइनली यूएसडी की करेंसी दे रखी है, जीबीपी यूएसडी की करेंसी यहाँ पर दे रखी है। ओके, देन अगर हम ट्रेड की बात करें तो हम यहाँ पर फिलहाल यूएसडी पर ट्रेड प्रेस करेंगे। ओके, सो ये रही हमारी कुछ अभी हमारे पास नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करने के लिए। अबव आप सब देख सकते हैं कि 15 सेकेंड्स का टाइम है। ओके, 15 सेकेंड्स का टाइम है, 15 सेकंड्स देख लें, यहाँ पर हमारा डाउनवर्ड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, हम अपना अगर इंडिकेटर की बात करें तो हमने एक ज़िगज़ैग इंडिकेटर अपना ले रखा है। ओके, देन यहाँ पर ट्रेड प्रेस कर देते समय अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये जो रेड कैंडल हमें दिख रही है। ओके, जो एज अ हमें रिवर्स हैमर बनता हुआ नजर जो आ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि जब भी हमारा रिवर्स हैमर बनता है हमारा मार्केट डाउनवर्ड की ओर जाता है। ओके, देन यहाँ पर एक कैंडल हमें यहाँ पर ये शो कर देती है, कैंडल स्टिक पैटर्न को हमने नंबर वन पॉइंट कैंडल देख ली अपनी। दूसरा हमारा जो हमने इंडिकेटर लगा रखा है ज़िगज़ैग, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, इसके अलावा अगर आपको और भी कंफर्टेबल और कोई लगता है जो आपको समझ में अच्छे से आता हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर ले सकती हूँ, लेकिन मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वो सबसे ज़्यादा मैं उसको ले लूँगी, यहाँ पर MACD। ओके, यहाँ पर 13 और यहाँ पर हमारी रहेगी 25। ओके, देन यहाँ पर 8 वैल्यू मैंने ले ली है। कलर्स की बात करें तो यहाँ पर हम ग्रीन ले लेंगे और यहाँ पर ब्लू ले लेंगे। ओके, और यहाँ पर एक मैंने रेड ले लिया है। सो गाइस, हमने MACD इंडिकेटर ले लिया है। ओके, सो हमारे यहाँ पर हो गया। फर्स्टली अगर यहाँ पर देखें कि हमारे अगेन यहाँ पर आप सभी को एक ये ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको वीडियोस में बताया होगा कि जब भी मार्केट में हमारा ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, ग्रेव मतलब कब्र, मतलब जमीन से कनेक्टेड, मतलब डाउनवर्ड, तो तभी हमारा मार्केट डाउनवर्ड जाता है। ओके, देन यहाँ पर हमें जो ग्रेव देखने को मिला है, ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पर मतलब नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड बनेगी, डेफिनेटली डाउन कोई बनेगी। ओके, देन यहाँ पर इसके अलावा हमें देखना है कैंडल स्टिक पैटर्न के अलावा हमारे इंडिकेटर का ट्रेंड, ज़िगज़ैग हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ट्रेंड अभी अपवर्ड टू डाउनवर्ड चल रहा है। MACD हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मार्केट अभी डाउनवर्ड ही जाएगा। देखिए लाइंस में अभी गैप यहाँ पर नजर आ रहा है। MACD के बारे में आप सभी को पहले बता चुकी हूँ कि MACD इंडिकेटर जो है लाइंस के गैप होने पर हमें वहाँ पर श्योर शॉट मिलता है, और अगर लाइंस की क्रॉस करने वाली हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होता है। ओके, सो यहाँ प्रॉपर में लाइंस में